हाय गाइस, आप सभी कैसे हो। देखिए, आज मैं बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आने वाला हूँ। और देखिए, ये वीडियो जो है जनसंख्या वृद्धि को लेकर होने वाली है। और देखिए, जो मैंने सर्कल बनाया है ये पूरी पृथ्वी है, और जो इसके अंदर बच्चे घूम रहे हैं ये हमारे पृथ्वी की जनसंख्या है। और देखिए, इसके चारों साइड पानी है, और देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी पृथ्वी कितनी कम हो जाती है और जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है, जो आने वाले समय में दिक्कतें पैदा होंगी। बस हम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछला जो मैंने पार्ट लिया था वे 2024 का था, और देखिए इस समय जो सर्कल छोटा हो गया, इस समय हम 2026 मान रहे हैं। देखिए, सर्कल छोटा हो गया है, और देखिए जनसंख्या बराबर बढ़ रही है इस समय। और देखिए, इनको काफ़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्योंकि इनके पास जो है सीमित जगह बची है, और कुछ एरिया पानी से दब चुका है। और देखिए, जनसंख्या बराबर बढ़ रही है। और देखते हैं, अब हम आपको 2028 में लेकर चल रहे हैं। देखिए, अब हमारा 2028 लग चुका है, और देखिए जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, और देखिए हमारा सर्कल कितना छोटा हो गया है। जो हमारी पृथ्वी की जगह थी, पेड़ काटे गए और इन्होंने अपने घर बनाए, उसकी वजह से देखिए प्रदूषण बढ़ा, और जो ग्लेशियर हैं उनके पिघलने से हमारी पृथ्वी लगभग बहुत पानी में दब चुकी है। और देखिए इतना ही एरिया बचा है, और देखिए जनसंख्या कितनी बढ़ गई है। इस समय हम 2028 में चल रहे हैं, और देखिए अब आपको 2030 में लेकर चलते हैं। देखिए 2030 चल चुका है, और देखिए हमारा पृथ्वी का सर्कल कितना छोटा हो चुका है, और देखिए जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, और देखिए इसमें रहने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और देखिए, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारी पृथ्वी से पेड़ खत्म हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी पानी की चपेट में आ जाएगी। तो देखिए, ये मैंने जनसंख्या वृद्धि को लेकर वीडियो बनाई थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।